दोस्तों, क्या आपके पास भी अपने पीएफ अकाउंट का सिर्फ यूएन नंबर है, पासवर्ड नहीं है? हो सकता है आपकी कंपनी ने आपको पासवर्ड दिया ही ना हो, या फिर आपकी कंपनी ने आपको पासवर्ड दिया हो और आपने पासवर्ड कहीं गुम कर दिया, अब आपको पासवर्ड याद नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप बिना पासवर्ड के यूएन पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, पीएफ का पासबुक नहीं देख पाएंगे, पीएफ में केवाईसी नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहें, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने पीएफ अकाउंट के यूएन नंबर के लिए नया पासवर्ड खुद अपने मोबाइल से बना सकते हैं। बस आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, लगातार देखना है, जिससे कि आपको अपने यूएन नंबर का नया पासवर्ड बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ गूगल सर्च बॉक्स में यूएन लिखकर सर्च कर देंगे, जिससे कि आपको सर्च लिस्ट में यूएन पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। अब आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है, फिर यूएन पोर्टल ओपन होगा। आपको यहां पर एक अलर्ट मैसेज दिखेगा, इसे यहां से क्लोज कर देंगे और यहां क्लिक करके इस पेज को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेंगे। दोस्तों, यूएन पोर्टल को डेस्कटॉप साइट मोड में करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डेस्कटॉप साइट मोड में ही इस पोर्टल पर सारे ऑप्शन दिखते हैं। अब आपको अपने यूएन नंबर का नया पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर लिख लेना है और यहाँ पर कैप्चा कोड लिख लेना है। कैप्चा कोड जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, सेम आपको लिखना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक नया बॉक्स दिखेगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर अपना जन्म तिथि लिख लेना है। नाम और जन्म तिथि वही लिखना है जो आपके पीएफ डिटेल में हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपका क्या नाम और जन्म तिथि है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाकर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिससे कि आप ऑनलाइन सिर्फ अपने यूएन नंबर से पता कर सकते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट डिटेल में आपका क्या नाम और जन्म तिथि ऐड है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं प्रोसेस की तरफ। नाम और जन्म तिथि लिखने के बाद आपको यहां से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एक और नया बॉक्स दिखेगा, जिसमें ये कैप्चा कोड यहां पर आपको लिख लेना है। यहां पर अपना आधार नंबर लिख लेंगे, फिर आपको यहाँ बॉक्स पर टिक कर लेना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब आपका आधार डिटेल्स आपके पीएफ डिटेल से मैच होगा, तो आपको यहाँ पर डिटेल्स वैलिडेटेड लिखा दिख जाएगा। फिर जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख लेना है। देन यहाँ बॉक्स पर टिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा। तो सबसे पहले आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर लिख लेना है, फिर जो ओटीपी आपके फ़ोन पर आया है, ओटीपी यहां पर लिख लेंगे, देन वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली अब आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार बनाना है, जिसमें कुछ अक्षर हो और उन अक्षर में एक बड़ा अक्षर हो, साथ में आपको नंबर लिखना है और इस प्रकार का स्पेशल कैरेक्टर लिखना है। आप अपने हिसाब से इस प्रकार का पासवर्ड बना लेंगे और वो पासवर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। वही पासवर्ड कंफर्म करने के लिए दोबारा यहाँ पर लिख लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके यूएन नंबर का नया पासवर्ड बन चुका होगा, आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। आपके मोबाइल फोन पर भी पासवर्ड चेंज होने का मैसेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि आप सीधा यूएन पोर्टल पर आ जाएंगे। इस अलर्ट मैसेज को यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर लिख लेना है और अभी आपने जो नया पासवर्ड बनाया है, वही नया पासवर्ड यहाँ पर आपको लिख लेना है। यहाँ पर कैप्चा कोड लिख लेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अलग ही इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि ईपीएफओ का बिल्कुल नया अपडेट है। पहले आप नया पासवर्ड बनाने के बाद नए पासवर्ड से यूएन पोर्टल पर लॉगिन कर लेते थे, लेकिन अभी ईपीएफओ आपके पीएफ अकाउंट को लेकर काफ़ी सतर्क हो गया है। अब आपको नया पासवर्ड बनाने के बाद पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो साथ में आपको ओटीपी भी एंटर करना पड़ेगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर भी ओटीपी आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर ओटीपी लिख लेना है और यहाँ पर ये कैप्चा कोड लिख लेंगे, देन सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आप यूएन पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। आपके यूएन नंबर का नया पासवर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। आप उस पासवर्ड को लिख लेंगे और कहीं सुरक्षित रख लेंगे। आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है।
पीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी काम करना है तो आप ऑनलाइन खुद कर सकते हैं, जिसके लिए YouTube पर आपको तमाम वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कंपनी ने आपके पीएफ अकाउंट में आपका क्या नाम और जन्म तिथि ऐड कर रखा है, तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देखें। इस वीडियो में आप अपने यूएन नंबर से अपने पीएफ अकाउंट में ऐड नाम और जन्म तिथि पता कर सकते हैं।